सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए एक नोटिस भेजा है और दिल्ली में जो आबकारी नीति बनाई गई, नीति बनाने से लेकर के उसे लागू करने तक में गड़बड़ी मामले में जो पाई गई थी, उस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले ही न्यायिक हिरासत में जेल में है। और अब किस तरह से आम आदमी पार्टी इसको देखती है, उनको पेश होना है और तमाम जगह जो राजनीतिक गलियारे के अंदर ये चर्चा भी है कि भाई अरविंद केजरीवाल का जो जनाधार है लगातार पूरे देश के अंदर, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, हर जिले में जो आम आदमी पार्टी है वो पैर पसारती हुई नजर आई और शायद उसी की वजह से कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं उनका ये आरोप है आम आदमी पार्टी का कि भाई उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे साथ सुखबीर मलिक जी हैं, पानीपत जो जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। सुखबीर जी क्या कुछ कहेंगे, एक आपको भी पता होगा कि एक नोटिस उनको भेजा गया है, 16 अप्रैल है उनको पेश होना होगा। ऐसा है, हमारे सीएम केजरीवाल जी जरूर पहुंचेंगे और एक ईमानदार आदमी, जो बीजेपी सरकार है वो बुखलाई हुई है, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं उनको अंदर देने की कोशिश करती है, दिए भी हैं हमारे सर्वसत्य मंत्री भी और शिक्षा मंत्री को भी अंदर जानबूझ के, जबकि इतने छापे मार लिए, एक रुपया उनके पास मिला नहीं, फोनों की बात करते हैं, फोन तोड़ दिए, कराचार आगे है हमारे पास, एक और है, तो वो सब कुछ उनके पास है, कहीं कोई प्रूफ मिल नहीं रहा। परंतु बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी से घबराई हुई है, क्योंकि सारे ने एक चर्चा चल गई है कि भाई ईमानदार सरकार आम आदमी पार्टी है और बीजेपी सरकार ये सोच रही है कि भाई इनको बदनाम करो, इनको किसी तरह खत्म करो, नहीं कांग्रेस तो खत्म हो ही पड़ी है, ये आम आदमी पार्टी ही से ही बीजेपी वाले डरती है, प्रधानमंत्री भी केजरीवाल से डरता है, क्योंकि केजरीवाल है बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्ट बात करता है, वो तो कहता है कि भाई जितना युग सारा कुछ इकट्ठा कर रहा है ये मोदी कर रहा है, या अडानी का तो एक बहाना है, टोटली पैसा, टोटली सारा कुछ सिस्टम इनके ऊपर लगा हुआ है। और आम आदमी पार्टी देश के लिए और देश के बच्चों के भविष्य के लिए इतना बढ़िया काम कर रही है, जो 75 साल में कभी किसी पार्टी ने काम किया नहीं शिक्षा के ऊपर, इन्होंने तो, बीजेपी सरकार तो ये चाहती है कि इनके लोग बच्चे पढ़ ही नहीं पाए, इतनी फीस बढ़ा दी है, बहुत ज्यादा फीस बढ़ा दी, गरीब आदमी का बच्चा खाली इनके काम करता रहे 12-12 घंटे। परंतु आम आदमी पार्टी ये चाहती है गरीबी से उठाना लोगों को, अगर शिक्षा बढ़िया होगी पढ़ लिख के ही गरीबी दूर हो सकती है, खाली नाज खुआने से किसी की गरीबी दूर नहीं हो सकती है। और आम आदमी पार्टी का आज हम ये सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं, लोग बहुत राजी हो गए, आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं और आने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है, इसकी बदौलत ही ये इस तरह के बीजेपी सरकार घटिया काम कर रही है कि ईमानदार आदमियों को नूचा वक भाई कैसे देश का भला कर सकेंगे, उसको भला नहीं होने देना, ये इनकी सोच है बीजेपी वाले की। आप मानते हैं घबराई हुई है? बिल्कुल घबराई हुई है बीजेपी सरकार, बिल्कुल घबराई हुई है, ये खुल कर बोलते हैं, किसी से दबते नहीं क्योंकि ईमानदार हैं, परंतु उनको किसी नहीं किसी तरह सीबीआई के लपेटे में, और जनता को भी बीजेपी सरकार डराना चाहती है ताकि कोई बोल ही नहीं पाए। परंतु हम ये कहते हैं कि आप कितना नजेड़ में डालोगे, ये तो भगत सिंह वाला काम है, भगत सिंह शहीद हुआ था, परंतु इसके पीछे लोग का एक काफला चल पड़ा है, ये आम आदमी पार्टी इन पर रुकने वाली पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी हर हालत में 24 में भी आएगी और आगे भी आएगी, आम आदमी पार्टी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बढ़िया काम करना चाहती है, देश को ऊपर उठाना चाहती है, जो आज इतना नीचे चला गया उनके तो 80 रुपये मारे, उनका 1 रुपया हमारे 80 रुपये, कितना फर्क है, जबकि सब कुछ फायदा इंडिया में होता है, परंतु भ्रष्टाचार और बेईमानी ने इस देश को डुबो दिया है, अपने अपने चक्कर में सारा कुछ अडानी के नाम करा दिए, सारे एयरपोर्ट भी अडानी के नाम, रेलवे भी अडानी के नाम, गैस के भी सारे ले भाई अडानी ये देगा, अडानी इतना कहां से दिमागदार हो गया, ये सारा कुछ मोदी सरकार ही अपने लिए कर रही है। आप मलिक साहब एक बात बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने 13 दिन अनशन किया था भ्रष्टाचार के, तो क्या लगता है इस तरह का मामला जो सीबीआई उनको नोटिस भेज रही है, ऐसा है, ये खाली एक डराने वाली बात,
परंतु आम आदमी पार्टी के जो सिपाही हैं वो डरने वाले नहीं। आप अंदर गेर दो, सारा ने गेर दो, फिर भी आम आदमी पार्टी बढ़ती चली जाएगी। सिर्फ बीजेपी को एक ही भय, अगर भाई केजरीवाल है तो हम चल नहीं पाएंगे। इसी के डर से मनीष सिसोदिया को गया, अपना संसदीय मंत्री को अंदर डाल रखा, जमानत नहीं होगी। कोई कितने बड़े काम हो रहे हैं, शराब के घोटाले यहाँ देख रहे हो, यहाँ दिन में भी शरीर डाल के ठेके सजा दिए इन्होंने। नहीं पहले आप देखते थे, छोटा हाला होता था, शराब के ठेके का पता नहीं लगता था। इब हर कॉलोनी वाइज ठेके को दिए इन्होंने, सारा गड़बड़ तो ये खुद क्या ऐसा शोरूम बना दिए, किसी का ना बिजी करता हो तो फिर भी सोचे भाई चल देखू तो खरीद सकते। यह हालत है। बीपीसीएम ने जब आपको भी पता कि जननायक जनता पार्टी बनाई थी और उस वक्त कहा था कि किताई चंद्रों का उदाहरण दिया था कि किताई चंद्रों का अभी प्रताव सारी जो पिलसन में आवा है उसकी तारुफ की जाए, ताई तो उन्होंने उस टाइम पे वादा किया था कि भाई सारे ठेके जो है वो हटा दूंगा। लेकिन आप उस बात को मानते हैं कि भी 200 बल्ब LED लगा करके इतना अच्छे तरीके से जो सजाया गया, ग्रीन बेल्ट से ठेके हटाने की बात कही जा रही थी? देखो ग्रीन बेल्ट से या ग्रीन बेल्ट सेक्टरों के अंदर ठेके रखवा दिए हैं। आप जिन रोड पे देखो, मेन रोड के ऊपर खती और इतनी चमक धमक, जन बहुत बढ़िया, कोई इम्पोर्टेड शोरूम है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वाले शोरूम है, इस तरह के शोरूम बनाए हैं। इन्होंने लोगों के पास पैसा नहीं छोड़ा, गरीब आदमी जो कमाता है वो ठेकेदार को दिया जाता है, उसी से ये सरकार चला रही। जबकि पानीपत के अंदर सबसे ज़्यादा GST पानीपत के अंदर होता है और पानीपत का हालात ये है, सरोली रोड पर ना आप जा नहीं सकते। आज 2 साल के बाद हमारा जो सेक्टर का रोड है उस पर रोड़ा गिरने लगे, 2-2 साल बेकार में जो गेट है वो बना गया जिस पर अच्छा पैसा खाया जाए, या जो लॉकिंग टैल है उस तरह के काम करते हैं जिसमें लॉकिंग टैल भी बिक जाती है और नीचे पत्थर पड़ा पड़ा है उस पर टैल बिछा देते हैं। बस इस तरह का काम हो रहा है सारे MC। आप देख लो पहले क्या पोजिशन थी और आज क्या पोजिशन। तो इस तरह सिर्फ अपना घर बढ़ना सोच रही, ये देश के बारे में बिल्कुल कोई सोच नहीं। अब अगर आपको कोई अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से 16 तारीख को पेश होना, उससे पहले कोई दर्शन करना या कुछ भी कोई आदेश होता है, इंस्ट्रक्शन मिलती है, और क्या कुछ भागीदारी रहेगी पार्टी की? हमारी पूरी भागीदारी रहेगी, जैसे ऊपर से आदेश होंगे वैसे भी हम करेंगे और हम पहले भी करते आए हैं, जैसे भी जोरदार प्रदर्शन करेंगे किसी भी तरह का। परंतु आम आदमी पार्टी अभी रुकने वाली पार्टी नहीं है, ये बढ़ती चली जाएगी। क्या सारा नंदर गेर दो, परंतु जो जनता जो जुड़ गई है ना साथ, इसको कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा, पानीपत में आप लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं, कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितना लक्ष्य आपने रखा है और कितना तक लक्ष्य आपका पूरा हो चुका है? मेरे को 25,000 आदमी जोड़ने हैं, 25,000 आदमी बड़े आराम से मेरे जुड़ जाएंगे। अभी मेरे को थोड़ा टाइम नहीं लग पा रहा, मेरा स्विमिंग पूल का काम था, मैं उसमें थोड़ा बिजी था, अब हम रूटीन में लगेंगे। हर आदमी जुड़ना चाहता है आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से पहले दुखी है, कांग्रेस उन्होंने देख ली है और बीजेपी से तो सब कुछ सीख ली है। ये तो सिर्फ एक ही काम है कि भाई इसकी पेंशन काट दो, इसका राशन कार्ड दो और इनको फिर का जो है लाइन में लगाओ, दोबारा अप्लीकेशन दो, ताकि सारा कोई काम मांगे ना सके, उन्हें लाइन में लगा कर रखो और ताकि वो राशन के उसके चक्कर में वो लाइन जाए रहे ये सोच। अच्छा, एक आखिरी सवाल लूंगा मलिक साहब आपसे मैं, कि पानीपत के अंदर कई स्कूल ऐसे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, यहाँ से आप पानीपत से स्मारकर की तरफ गए होंगे कि भाई पहले मिडिल स्कूल इतने थे, हमने इतने कर दिए, लेकिन कई पानीपत के आपके शहर के अंदर ऐसे स्कूल हैं जो कोई मंदिरों में चल रहे हैं, कोई गुरुद्वारे के अंदर चल रहे हैं, कोई धर्मशाला के अंदर चल रहे हैं। सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, सरकारी स्कूल इस सरकार ने बंद ही किए, उसके लिए हमने पैदल यात्रा भी की थी चंडीगढ़ तक और मुद्दा भी उठाया था कि बंद नहीं करो, जब स्टाफ ही नहीं देंगे, वहाँ मास्टर ही नहीं देंगे, पढ़ाने वाला नहीं होगा, तो सरकारी स्कूलों पर की तरफ ध्यान नहीं है। अगर सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान हो तो हमारा हरियाणा सबसे नंबर वन बन सकता है, क्योंकि हरियाणा में क्वालिटी है, हरियाणा के बच्चों में तंदुरुस्ती भी है, फुर्ती भी है, वो काम कर सकते हैं, हर लाइन में आगे जा सकते हैं। परंतु यहाँ गवर्नमेंट चाहती है प्राइवेट स्कूल, यहाँ भाई सरकारी में जाओगे तो 500 रुपये फीस लगेगी, अगर आप प्राइवेट में पढ़ोगे तो 1700 रुपये फीस सरकार वो देगी प्राइवेट वाले को, इस तरह का काम करना चाहती है। ये तो सब कुछ प्राइवेट पे काम करती है।
अब पे जवाब से एक और सवाल है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं होने के चलते जो हमारे युवा है वो नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और नशे की तरफ जाने से वो क्राइम भी कर रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, उनके माँ बाप परेशान हुए पड़े हैं। देखो हालात इतनी खराब है, ड्रग्स इतनी बढ़ चुकी है, जबकि पहले यहाँ बिल्कुल ड्रग्स का नाम नहीं था, पंजाब में था, पंजाब बॉर्डर आई थी, आम आदमी पार्टी आई है तो बहुत सुधार है, परंतु यहाँ तो दिन पे दिन हालत खराब होती जा रही है। आप कुछ भी छोड़ दो, मेरा वो क्लस्टर का शेड है उसमें वो मेन हो के देना, वो भी ले गई ऊपर दीवार पर नकूल है, तो इतनी चोरियाँ हो रही है, वो ड्रग्स वाले हैं, वो ड्रग्स वाले ने कुछ नहीं मिल रही, उनको तो आज ही आदत पड़ गई है, उन्हें तो किसी तरह का कोई नशा चाहिए, उन्हें जीने के लिए नशा चाहिए, काम धंधा है नहीं, ना कोई पेंशन निकालती है, बीजेपी सरकार ढोरा पूछती है, डील ग्रुप में थोड़े बहुत आदमी चलो भाई कर दिए भाई, उसका पूरी एडवर्टाइजमेंट करती है, कोई तरह अपना आदमी भर्ती करती है, इतना कुछ कर दिया, दुनिया परेशान है, नौकरी मिल ही रही, जिसको भी करते हैं थोड़े बहुत आदमी को डी ग्रुप में करते हैं और कुछ नहीं है, और उनको भी बड़े लिमिट में पैसा मिलता है बेचारा ना, उनको भी पूरी काम करना पड़ता है, जबकि पूरा पैसा जब वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कलर के हिसाब से तो उनको पूरी तनख्वाह मिलती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा इन्होंने कहा कि डी ग्रुप में ज्यादा फोकस है जो भी भर्तियां की है, लेकिन कहीं ना कहीं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वैकेंसियां निकली है, और भी श्रेणियों की वैकेंसियां निकली, लेकिन ज्यादातर वैकेंसी कैंसिल होनी, उसको कहीं पेपर लीक हुआ, कहीं कैसे भी गड़बड़ी पाई गई तो उनको कैंसिल करना पड़ा, यानी बेरोजगार आज भी रोड पर धक्के खा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों से, मैं अपील करूंगा इस खबर पर अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दें। नमस्कार।